हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस कोर्स। सो आज जो है कि हम एक यूनिक पॉइंट पढ़ने वाले इन द फार्मेसी, जो कि है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो है वो जब हम पढ़ते थे तब फुल मार्क्स का क्वेश्चन रहता था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो मेरे नोट्स हैं वो बनाई हुई हैं। आपको ये इधर 7 to 8 मार्क्स में या फिर तो शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपने उस तरीके से अपना आंसर फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एड ऑन करनी है, मतलब कि आपको लिखनी रहती है, जो हम हेडिंग्स लगाते हैं ना वो। तो सबसे पहले है इथमोलॉजी, मतलब कि इसका जो वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, और ये वर्ड कहाँ से आया है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो फर्स्ट थिंग कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, लेटिन वर्ड से। ठीक है, तो लेटिन वर्ड कौन सा, प्रिस्क्रिप्टो। ओके, तो इसके ये जो प्रिस्क्रिप्शन है या फिर तो प्रिस्क्रिप्टो है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है पैरा और दूसरा है स्क्रीबो। तो पैरा का मतलब क्या होता है, बिफोर, एंड स्क्रीबो का मतलब होता है आई राइट। तो इसका फुल मतलब क्या हुआ, आई राइट बिफोर। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट क्या होता है कि जब आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, लाइक आपने मुझे भी बहुत बार सुना होगा ऐसा बोलते हो कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन देते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप जो पेशेंट है उसका सबसे पहले तो आपके पास एक पेज होता है। ठीक है, आपके पास एक लेटर होता है, उसके बाद उसके ऊपर आपने पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, एज सेक्स लिखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, उसके नीचे आप आरएक्स करके जो सिंबल होता है, उसके बाद आप आपकी मेडिसिन लिखते हो। ठीक है, तो उन्हीं सारी चीजों को आपने आज डिटेल में पढ़ना है कि एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, जो एक प्रिस्क्रिप्शन का लेटर होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि प्रिस्क्रिप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आपने आपके आंसर के अंदर भी इसी तरीके से सारी चीजें लिखनी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इट इज अ रिटन डायरेक्शन गिवन बाय द फिजिशियन। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिटन डायरेक्शन है जो कि कौन देता है, फिजिशियन देता है। किसको देता है, टू हिज ओन कंपाउंडर और अ फार्मासिस्ट। ठीक है, ओन कंपाउंडर मतलब कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो हमारे लोकल डॉक्टर्स होते हैं वो अपना खुद का एक मतलब छोटा सा फार्मेसी उन्हीं की क्लिनिक के अंदर होता है। ठीक है, तो जो वहां पर काम करते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंडर। ठीक है, तो फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और वो कंपाउंडर जो उन्हीं के क्लिनिक के अंदर है उसको आपने जाकर देना होता है, वो आपको मेडिसिन निकाल कर देगा। ठीक है, या फिर तो फार्मासिस्ट, जैसे कि कोई आपके सर्जिकल वर्क हुआ है, ठीक है, आप हॉस्पिटल पे गए हो, तो वहां पर हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग से कोई कंपाउंडर नहीं होता है, हर एक डॉक्टर का अलग अलग कोई कंपाउंडर नहीं होता है, वहां पर एक सिंगल फार्मासिस्ट होता है। तो आपने वहां पर फार्मासिस्ट को जाकर ये चीज बतानी होती है और वो भी सेम काम करता है जो कि एक कंपाउंडर करता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ रिटन डायरेक्शन गिवन बाय द फिजिशियन टू हिज ओन कंपाउंडर और फार्मासिस्ट फॉर, क्यों होता है ये, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन। अब ये यहां तक जो पार्ट है वो सिर्फ कंपाउंडर और फार्मासिस्ट के लिए है। अब जो आगे का पार्ट है कि इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट के लिए भी ये होता है अबाउट द मोड ऑफ इनटेक। ठीक है, तो ये पूरा था इसका डेफिनेशन। बहुत इजी डेफिनेशन है बिकॉज कि हम भी अभी तक कितने बड़े हुए हैं, हमने भी बहुत सारी इधर अपने एलोपैथी ली है, होम्योपैथी मेडिसिन ली है, तो हम सबको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में तो पता होता है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी मतलब कि बहुत नॉर्मल फिनोमिना होता है अगर आप कोई भी हॉस्पिटल क्लिनिक में गए हो तो। ओके, सो इट इज़ अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट। एक तो ये वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, क्यों, एंड मस्ट बी प्रॉपरली रिटन एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड by the pharmacist or compounder or the patient after it has been served. क्यों, बिकॉज कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है इट इज़ अ लीगल एविडेंस। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि कोई केस वगैरह हो जाता है डॉक्टर के ऊपर, तो डायरेक्टली जो कोर्ट में उनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दिखाया जाता है कि भाई देखो इस पर्टिकुलर डॉक्टर ने इस तरीके से ये प्रिस्क्रिप्शन, ये मेडिसिन दी थी इस डेट को। ठीक है, बिकॉज की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो इट इज अ लीगल एविडेंस और इसको अच्छे से लिखना जरूरी है। ठीक है, बट मतलब कि हमारे यहाँ के जो
डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसे ही लिख देते हैं, बट फिर भी स्टिल वो इतना तो अच्छे से लिखते हैं कि जो मेडिसिन है उसका नाम हमें पता चले, ठीक है। तो इसीलिए इसको अच्छे से लिखना जरूरी है, ये एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है और इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए बिकॉज इट इज अ लीगल एविडेंस, ठीक है। इसके आगे चलेंगे कि भाई इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। एक अच्छा खासा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, तो देयर आर सिक्स प्रिंसिपल्स। फर्स्ट वन व्हिच इज नॉर्म्स, फॉर्म्स, लीगेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनकम्पेटेबल आर नॉट बी यूज्ड। सारी चीजें हम आगे डिटेल पे पढ़ेंगे। अब बताती है कि अगर आपको 5 मार्क्स के अंदर ये चीज पूछी गई है तो आप क्या करोगे, आप इतना बड़ा आंसर नहीं लिख सकते उसके अंदर, तो आपने क्या करना है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको या तो सिर्फ नाम इस तरीके से लेकर छोड़ दो या फिर तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर, ब्रीफली मतलब कि आपने इसको समझाना है, ठीक है। मैंने जितना डीपली लिखा हुआ है, अगर हम उतना डीपली नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो, और अगर फुल मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज लिखना रहता है, ओके। तो देयर इज नोम्स, नोम्स को क्या बोलते हैं, रूल, पैटर्न और टाइप, ठीक है। तो ये तीनों चीजें याद रखना, ये तीनों चीजें भी अगर आती हैं सो देट मीन्स कि उसको नोम्स ही हम कंसिडर करेंगे। So it is the most important for an ideal prescription and prescription is must be written in the definite pattern. So norms क्या होता है, it is the pattern of prescribe, pattern of writing the prescription. तो एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके कॉम्पोनेंट क्या क्या होने चाहिए, तो वो होता है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन एंड सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, ठीक है। तो मेंटेन द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सॉरी सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड देन सिग्नेचर, इसी वे के अंदर, इसी फॉर्म के अंदर जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लिखा होना चाहिए। सेकेंड थिंग आता है फॉर्म्स। तो फॉर्म्स का क्या मतलब करेंगे हम, इधर इट इज अ शेप और द मॉड्यूल और द स्टाइल ऑफ द राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन मे बी इधर इन द लेटिन, ठीक है, लेटिन में लिखो या फिर तो सिंपल फॉर्म में लिखो, मतलब कि इंग्लिश का जो सिंपल फॉर्म, जो सिंपल जो हैंडराइटिंग चलते हैं वैसे भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फिजिशियन यूज द सिंपल फॉर्म। सेकेंड थिंग है लीगेबिलिटी या फिर तो ईजी टू रीड, ठीक है। That means कि वही चीज है कि जो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो ईजी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, मतलब कि अभी हम जैसे इंग्लिश में सारी मेडिसिन का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो वो ईजिली कोई भी पढ़ेगा तो उसको पता लगना चाहिए, ठीक है। और मेनली कंपाउंडर और जो फार्मासिस्ट होता है उसे तो पता चलना ही चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिटन इन द इजी लैंग्वेज और इन द इजी वे टू अंडरस्टैंडिंग बाय द कंपाउंडर एंड द फार्मासिस्ट और द पेशेंट, ठीक है। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट, मतलब कि जो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर आपने जो उसका मेडिसिन का जो इंग्रेडिएंट है, मतलब कि जो उसकी क्रूड क्रूड मेडिसिन जो है उसका भी नाम लिखना रहता है, ठीक है। तो उसके उसके इंग्रेडिएंट भी अच्छे से लिखे होने चाहिए। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिंग। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग के अंदर क्या करेंगे, हम होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं तो हमको स्मॉलेस्ट डोज देना है, तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम द 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ठीक है। Incompatible are not to be used. Incompatible का मतलब क्या है, inimicals. Inimicals मतलब कि ऐसी medicines जो कि आप अगर दोगे तो वो fatal साबित हो सकती है, ठीक है। मतलब कि जो नक्स वोमिका है, अगर आपने किसी पेशेंट को सबसे पहले नक्स वोमिका दी और उसके बाद इफ यू थिंक कि मैं उसको लेगेसिस दूंगी या फिर तो दूंगा, तो ये फेटल साबित हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज द इनिमिकल रिलेशनशिप बिटवीन नक्स वोमिका एंड लेगेसिस, ओके। तो ये थे इसके फॉर्म्स। अब बात करेंगे कि इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि हमने सबसे पहले जो नोम्स था उसके अंदर देखे थे, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन एंड दी सिग्नेचर, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद एक एक चीज को आप डिटेल में बताना शुरू करोगे।
सो फर्स्ट वन विच इज अ सुपरस्क्रिप्शन, तो सुपरस्क्रिप्शन मतलब कि सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये एक आपके पास पेज है, उसके अंदर यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो सारी चीजें लिखी हुई होती है विच इज अ सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, नेम ऑफ द पेशेंट, एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट एंड द सिंबल आरएक्स, ठीक है। तो आरएक्स कहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक छोटी सी जगह में आपने लिखना है आरएक्स, ओके। फिर उसके आगे वाली चीजें बाद में बताऊंगी मैं। तो पहला क्या है, नेम ऑफ द पेशेंट, द नेम ऑफ द पेशेंट विथ एड्रेस, इट शुड बी ऑलवेज बी प्लेस एट द टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एंड इट द वर्ड फॉर, ठीक है, फॉर भी आपने सबसे पहले लिखना है, उसके बाद पेशेंट का नाम लिखना है, ओके। देन एज एंड सेक्स जो भी पेशेंट की है वो, सिंबल आरएक्स, तो ये क्या है कि कभी कभी हमको शॉर्ट नोट में सिर्फ पूछा जाता था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिंबल आरएक्स इन द प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, इसको टू लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि भाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लेटिन वर्ड, मतलब कि ये आरएक्स क्या है, इट इज अ रेसिपिट, तो विच मीन्स टू टेक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है टू टेक। तो आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द सिंबल आरएक्स, दिट मींस टू टेक, ठीक है। दूसरा है सिंबल क्रॉस, मतलब कि ये जो एक्स जो है, सिर्फ ये जो एक्स है उसका क्या मतलब होता है, अक्रॉस द आर इज प्रेजेंटेड द प्रेयर फॉर द जुपिटर, ठीक है। तो ये भी आपको एक यहाँ से एमसीक्यू निकल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्स सिंबल इन द आरएक्स, ठीक है। तो क्या है, प्रेयर फॉर द जुपिटर, ठीक है। दूसरा है इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज द बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, तो इसके अंदर क्या आएगा, जैसे कि आरएक्स लिख दिया, फिर नीचे हम क्या लिखते हैं, मेडिसिन का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज अ बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या आएगा, इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ रेमेडी, द नेम एंड द क्वांटिटी ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तो नेम ऑफ द रेमेडी के साथ साथ क्या होना चाहिए, पोटेंसी होनी चाहिए एंड इट्स क्वांटिटी, किसकी, रेमेडी की क्वांटिटी एंड रेमेडी की पोटेंसी। व्हीकल की नेम एंड क्वांटिटी के अंदर क्या आएगा, सेम चीज, एंड द इंस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज दिस पार्ट कंटेन्स द मेडिसिन एज वेल एज द व्हीकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा है, थर्ड वन है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या आएगा कि जैसे मैंने बोला कि हम होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, तो उसके अंदर हर एक मेडिसिन को मतलब कि इसका मदर टिंचर बनाना है, पहले मदर सब्सटेंस बनाना है, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी डालनी रहती है एज अ आइडियल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो इट इंक्लूड द डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट फॉर हाउ ही डिस्पेंस द मेडिसिन, ठीक है, लाइक एम एफ टी मिस्ट एंड एम एफ टी बी यू एल वी, ठीक है। तो इस तरीके से सिम्बॉल्स होते हैं, वो भी आपने लिखने रहते हैं, और उसी के साथ साथ ये उसी के साथ साथ आपको ये भी लिखना रहता है कि जैसे आपने देखा होगा बी डी लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये जो सारे एब्रिविजन्स हैं वो आपके बुक के अंदर अच्छे से दिए हुए हैं, टी डी एस लिखा हुआ है होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी कहाँ पर आएंगी, ये सारी चीज़ें भी आएंगी आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर। बी डी और टी डी एस का बता देती हूँ, ये कभी कभी जो एमसीक्यू होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो बी डी का मतलब होता है 2 times per day और टी डी एस का मतलब होता है 3 times per day, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। देन फोर्थ वन विच इज द सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, और उसी के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन टू द पेशेंट। सो डायरेक्शन टू द पेशेंट के अंदर क्या होता है, शुड बी ब्रीफ एंड सिंपल एंड ऑन द पॉइंट, दैट शुड बी रिटन इन द सिंपल लैंग्वेज एंड गुड हैंड राइटिंग सो दैट द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड एवरी थिंग। तो अब इसके अंदर सोचो कि क्या क्या आएगा, ठीक है, हमने सारी चीजें बी डी टी डी एस जो सारा मेडिसिन का नाम वगैरह सब कुछ लिख दिया है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ये आएगा कि जैसे ऑक्सिलरी मैनेजमेंट पढ़ो क्या, लाइकवाइज कि अगर कोई पेशेंट है तो उसको कोई ठंडी चीज अपने मतलब कि उसका अगर नी पेन कर रहा है तो वो ठंडी चीज उसको हम जो आइस पैक है वो लगाने को बोलेंगे, तो वो एडवाइस देने के एडवाइस हम कहाँ देते हैं, ठीक है, तो वो हम डायरेक्शन फॉर द पेशेंट के अंदर देते हैं, ठीक है, वहां पर आप लिखोगे। लाइकवाइज कि आपने जैसे यहाँ पर
मेडिसिन का नाम लिख दिया, उसके बाद आप यहाँ पर एडवाइस करके जो आपकी एडवाइस आप देने वाले हो वो लिखोगे, एंड लास्ट में क्या होगा आपका सिग्नेचर। ठीक है, तो इतनी चीजें एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर होनी चाहिए। उसके साथ ही हमने क्या लिखा हुआ है कि लाइक हाउ टू यूज द मेडिसिन, मतलब कि इसके अंदर ही जो डायरेक्शन फॉर द पेशेंट है उसके अंदर पॉइंट्स हैं कि हाउ टू यूज द मेडिसिन। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन द आर ऑफ द डे एंड देन मेडिसिन आर गिवन, मतलब कि कौन कितने आर के अंदर कितने आर के बिटवीन आपने मेडिसिन लेनी है, वेन टू रिपोर्ट वापस चेकअप दिखाने आना है, एंड सम एडवाइसेस लाइक डाइट योगा एंड फिजियोथेरापी एंड इन्वेस्टिगेशन लाइक एक्सरे और ब्लड टेस्ट। ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी। देन सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, इट इंक्लूड्स सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑब्टेन फ्रॉम द होम्योपैथिक काउंसिल। ठीक है, तो इतनी चीजें थी कि भाई एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ होता है कि प्रिकॉशंस क्या रखने हैं वाइल टेकिंग द राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो प्रिकॉशंस क्या है, ईच लाइन मस्ट बी ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, नेम ऑफ द मेडिसिन एंड द पोटेंसी मस्ट बी रिटन फर्स्ट एंड देन नेम ऑफ द व्हीकल एंड इट्स क्वांटिटी, द डायरेक्शन शुड बी रिटन इन द लेटिन। ठीक है, लेटिन एंड द मेडिसिन ऑलवेज रिटन इन द लेटिन, एंड डायरेक्शन ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटन इन द इंग्लिश एंड इन द गुड हैंड राइटिंग, बट द डिस्पेंसर मस्ट रिटन इन द इंग्लिश एंड इन द लोकल लैंग्वेज। ठीक है, लाइकवाइज कि अभी मैं गुजराती हूँ, तो जैसे कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मुझे अगर उसको कोई एडवाइस देनी है, ठीक है, अगर कोई इलिटरेट पीपल मेरे पास आया है तो उसको मैं ये नहीं समझाने बैठूंगी इंग्लिश में कि भाई देखो डाइट मैंने लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर आपको हाई फाइबर डाइट लिख के दे रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको जो हाई प्रोटीन डाइट लिख के दे रही हूँ, ठीक है, टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ दी वाटर ऐसा मैंने लिखा हुआ है, तो वो पेशेंट को नहीं समझ में आएगा। मुझे उस चीज़ को गुजराती में लिखना पड़ेगा, उस चीज़ को गुजराती में भी पेशेंट को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज भी आपको लिखना है, and when it doubt must be written in the English, ठीक है, and never hand over the prescription without reading it over and again, ठीक है, every homeopathic physician must write a prescription and hand over to the patient, ठीक है, अपने patient को ही देना है ये, then उसके बाद आता है advantages of the prescription, so it has two main advantages, first one advantage for the patient, second one advantage for the physician. So advantage for the patient kya hota hai, the patient can be taken the prescribed medicine in the proper time in the proper form because ki wo sari cheeze uske paas likhi hui hai, theek hai, second thing the patient can follow the advice regarding the diet, theek hai, wo pad pad ke bhi wapas se le sakta hai, different investigation that should be done are written on the prescription, ठीक है, जैसे हमने देखा, and moreover the patient can communicate easily with the physician in urgency, medical legal importance in the case of the fatal and the serious condition of the patient following wrong treatment, the patient can be put case against the physician, ठीक है, तो ये advantage of the for the patient भी हुआ, it is helpful for the patient to know the academic qualification of the physician because की जो physician है उसका जो हमने signature वाला point देखा था उसके अंदर हमने last में ये भी लिखा था कि physician को अपना जो पूरा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लिखना रहता है विद द डेट एंड विद द सिग्नेचर, ठीक है, तो इससे पेशेंट को पता भी चलेगा कि भाई ये हमारा जो फिजिशियन है उसने क्या पढ़ाई करी है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ठीक है, अब एडवांटेज फॉर द फिजिशियन क्या होगा, सो फॉर द पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट the physician can easily understand the patient's previous situation, ठीक है, हर एक patient का आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने इसको क्या medicine दी थी या फिर इसको क्या advice दी थी, ठीक है, so it is easily for the physician to select a medicine for the second prescription
and the physician can follow up the case properly, whereas the patient improve or deteriorate, and for the patient coming from the physician. Physician can easily select a medicine from the second and onward visit by the patient, and if the patient come from the allopathic physician, prescription is very helpful. ठीक है, because की allopathy में भी same way के अंदर prescription बनता है, बस वो लोग जो vehicle का नाम होता है वो नहीं लिखते, वो लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का नाम लिखते हैं, potency वगैरह भी नहीं लिखते, because there is no potency, there is a dose. ठीक है, तो वो लिखते हैं और कब कब medicine लेनी है वो लिखते हैं. ठीक है, तो बट ये वो चीज़ भी हमें हेल्पफुल रहती है कि भाई जो पेशेंट है उसने पहले से कौन सी ड्रग्स लेकर रखी हुई है. ठीक है, एंड द प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन और द प्रिस्क्रिप्शंस हेल्प द फिजिशियन टू नो अबाउट द मोड ऑफ ट्रीटमेंट, लाइक सिंगल मेडिसिन थेरापी दी गई है उसको या फिर तो पॉली प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है. ठीक है, तो इस तरीके से एडवांटेजेस फॉर द फिजिशियन था. अब मैंने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है सारा जो आइडियल प्रिस्क्रिप्शन होता है उसका, फ्रॉम द सुपरस्क्रिप्शन टू द इंस्क्रिप्शन. देखो यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा है सुपरस्क्रिप्शन, जिसे सुपरस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा था, फॉर लिखा होना चाहिए, उसके बाद आपके फिर जो पेशेंट है उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, उसका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए और उसकी एज लिखी हुई होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आता है इंस्क्रिप्शन जो कि होता है बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. ठीक है, उसके अंदर क्या आना चाहिए, आरएक्स का सिंबल, मेडिसिन का नाम विद इट्स पोटेंसी, देन उसके बाद जो भी आपने उसको जब भी देना है टीडीएस वगैरह तो ये भी एक एब्रिविएशन है, देन ये जो एक्वा डेस्ट OZI जो लिखा हुआ है वो व्हीकल का नाम है. ठीक है, एंड उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या था कि हमें पेशेंट को एडवाइस देनी है, देन ये सारी भी एडवाइस है, टू बी टेकन ट्वाइसली इन द डे, इन द मॉर्निंग एंड नाइट, एंड एम्प्टी स्टमक एंड स्टॉप एंड इम्प्रूवमेंट. ठीक है, TC DC एंड ESR करवाना है, ब्लड टेस्ट आपने करवाना है. ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है, एंड लास्टली आपने यहाँ पर सिग्नेचर करी हुई है. ठीक है, और ये सारी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड जो डेट लिखी हुई है वो सारी चीजें. ठीक है, तो ये एक आपको सिंपली जो एग्जाम्पल है वो मैंने बताया हुआ है, अगर आपने एग्जाम में याद रह रहा है तो लिखना है, अगर नहीं याद रह रहा है तो सिर्फ मैंने बताने के लिए समझने के लिए लिखा था. ठीक है, तो ये था हमारा पूरा वीडियो अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन. आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.